अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज का दिन स्टार्ट हुआ, सो के उठे हैं अभी। और आज घर में हलीम तो हैं, बहुत सारे काम। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और मैंने सोचा सुबह ही स्टार्ट कर दें, सोकर उठते। फ्रेंड देखे सामान आ गया है, भी आ गई हैं हलीम जी। एक कोरमे के लिए मंगवाई होगी ना देर। अब हम डाल रहे हैं दालें भीगने के लिए। क्या करने के लिए? भीगने के लिए। हाँ, दालों को भिगा रहे हैं, नहला रहे हैं। कम से कम ये 8 से 10 घंटे भिगेंगी दालें, ऐसे ही जब हम रात में खाएंगे 10 बजे तक। अभी क्या टाइम हो रहा है? 2 बज रहे हैं। 2 बजे ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन 8 से 9 दालें भिगेंगी आप। सही है, बाकी दालें ये बाद में 6 बजे करीब भिगो देंगे इसको। ये तो इतनी आराम हो जाती है मुझे तो। चलो बाहर लेके जाओ। देखें आ गई हैं, देखें साफ़ है। हाँ भाई साफ है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। घोटे भी आ गए, घोटे दरिया भी आ गए हैं। ओह खोलो, खोलो तो ऐसा होते कि मोटर बंद करी, कितना सुकून हो गया। इतना शोर, पता नहीं क्यों इतना शोर कर रही है मोटर पानी की। छुपकली तो नहीं है ये? दालें हमने मार्ट से ली थी ना, तो सारी दालें साफ़ हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इनसे कचरा निकालने की। और बिल्कुल साफ़ दालें थी तो हमने इनको पहले धो लिया। अब दोबारा से पानी डाल के हम इसको रख देंगे जब तक कोरमा और जब तक हलीम की तैयारी में शुरू होती। अच्छा है, ये नरम हो जाएंगी, जितनी अच्छी होंगी उतनी अच्छी हलीम बनेगी। फ्रेंड्स लकड़ियाँ आ गई हैं और ईंटें भी आ गई हैं। ब्लॉक क्यों बोले, ईंटें ही बोलो। हाँ प्योर उर्दू। ईंटें भी आ गई हैं और हैं खालिस उर्दू बोले, खालिस उर्दू। हलीम नहीं बन रही है, दलीम बन रही है, दलीम। सारी लकड़ियाँ उतार दी गई हैं, ईंटें भी कर रही हैं और हाशिर वेट कर रहे हैं गोश्त वाले का। गोश्त वाला आए हैं अभी तक। सफाई घर की और हाँ यह लग रहा है पोछा सब लगा लिया, पोछा एक और। क्या कर लिए मेरी बेटी, क्या कर लिए मेरी बेटी।
आराम कर रही है काम करने के बाद भी। आप क्या कर रही हो? ये कर दिया ना मैंने ऊपर रखवानी। चलो चलो जल्दी छोड़ो। फ्रेश होकर आ गई हूँ, मैंने अपने सारे काम निपटा लिए। मासी चली गई काम करके और सारी दालें भिगो दी और ये देगें धुल रही हैं, अभी देगों की सफाई हो रही है और हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी और सारे काम हो गए, खाने पक गया है। तो यहाँ हो रही है ये देखें देगों की सफाई, यहाँ हो रही है देगों की सफाई। ये लुक्स कर रहे हैं, देख साफ धो रहे हैं भाई। हम लोग सफाई बड़ी सफाई वाले काम कर रहे हैं क्योंकि खाना हमें ही है, हम हर तरीके से हर चीज़ साफ कर कर फिर पकाएंगे क्योंकि भाई सफाई निफ्स ईमान है। और गोश्त भी धुल रहा है हमारा यहाँ पर, हमने पूरी गोश्त हम लोगों ने बिल्कुल रूखा गोश्त लिया है हलीम में डालने के लिए, देख रहे हैं आप। हाँ, हम बकरीद की कुर्बानी का गोश्त भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बकरीद का गोश्त, हाँ प्योर बकरीद का गोश्त जो है ना वो डिफ्रीज़र कर देते हैं और फिर उससे हलीम बनाते हैं, हमें मज़ा नहीं आता, वो टेस्ट ही कुछ अजीब सा हो जाता है। तो हम बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा गोश्त मंगवाते हैं इसके लिए, हलीम के लिए, और हम बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं, खानी हमें और खिलानी भी हमें दूसरों को। हम क्यों दूसरों को ख़राब सी चीज़ें खिलाएँ भाई, जो हम खुद खाएँगे वो हम सबको खिलाएँगे। तो और मैं भी हो गई हूँ रेडी और खाना भी हो गया रेडी और आज का व्लॉग होगा बेइंतहा लंबा क्योंकि आज मुझे बनाने पड़ेंगे, आई थिंक मुझे दो व्लॉग तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं इसका अलग और फिर जब हम बनाने शुरू करेंगे जब उसका अलग। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज घर में दावत है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें शॉपिंग कराने चलो। और शॉपिंग का नाम लेते ही तो खुशी आ जाती है कि कहीं हम कोई हमारे घर में तकरीब हो तो और हम शॉपिंग करने गया करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है अल्लाह का शुक्र है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि घर में कोई भी प्रोग्राम हो चलो नया सूट लेकर आते हैं, कपड़े दिलाकर लाते हैं, तो मैं इसलिए रेडी हो गई हूँ, मैंने खाना बना लिया था, मेहमान आएंगे मैं भी मार्केट से होकर आ जाऊँगी, तो चलते हैं मार्केट। आज सुबह जल्दी कर लिया था तो कह रहे जल्दी जल्दी ये कीमा फ्राई कर लिया, मैंने रोटियाँ मंगवा ली हैं, हम रोटी से कीमे को खा लेंगे ताकि रात में भूख ना लगे, अभी तो हम कीमा खा लेंगे फिर रात में देखते हैं क्या होता है। नहीं आप क्या कर रही हो, आप कैसे पहनोगी ये? क्या देखें भाई क्या कर रही हो आप?